स्टूडेंट आप लोग बहुत ही बेसब्री से आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है लेके आप लोग बहुत ही इंतजार में हैं तो आज अभी हम लोग एकदम लाइव अपडेट लेके आ रहे हैं यहाँ पे छो देखिए छः बज के चौवन चो, मिनट पर है पीएम यानी अभी एकदम जस्ट अभी ही है ना यहाँ पे आप लोग का 27 मार्च 2030 के लिए नया अपडेट हम लोग लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि दोस्तों कब हम लोग का एग्जाम है सबसे पहले हम लोग का देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि बिहार वो टेंथ रिजल्ट का जो है मैट्रिक टॉपर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है सबसे ज़्यादा ठीक है मैट्रिक टॉपर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है सबसे पहले इसको समझते हैं देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टॉपर घोषित करने से पहले सर्वाधिक नंबर लाने वाले पूरे बिहार के परीक्षार्थी को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के निर्देश पर रविवार तक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड मुख्यालय में बुलाया गया है नहीं तो जो उस समय हुआ था ना रूबी राय की तरह तो इस तरह नहीं घोषित हो है कि हमारे जो उसका वेरिफिकेशन किया जाए और कुछ बोलने में भी फिर दिक्कत होगा इसीलिए सभी स्टूडेंट का बढ़िया से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि हाँ सही में जो स्टूडेंट अच्छा नंबर लाए हैं है ना जो स्टूडेंट नंबर अच्छा लाए हैं वो सही में वो उस काबिल हैं कि नहीं है इसलिए उनको बुला के और उनका बढ़िया से वेरिफिकेशन किया जा रहा है संडे तक जो है हम लोग का वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा फिर यहाँ पर देखिए फिर तुरंत यहाँ पर देखिए हम लोग का तेईस ही सताईस ही मार्च का है यहाँ पर बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए है ना उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कहा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2023 हज़ार तेईस दसवीं के टॉप और सुपौल नालंदा और औरंगाबाद का दबदबा है ठीक है सुपौल जिला का है लड़का जो भी स्टूडेंट है है ना सुपौल ज़िला का है नालंदा ज़िला का है और औरंगाबाद ज़िला का ही है जो लोग बहुत सारा दबदबा अपना बनाए हुए हैं है ना देखिए करीब 200 विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए सुपौल नालंदा और औरंगाबाद इन तीनों जिलों के परीक्षार्थी आए हुए थे ठीक है इस जिला के आए हुए हैं कौरा है इंटर परीक्षा में भी औरंगाबाद और का जलवा दिखा है इंटर परीक्षा में भी औरंगाबाद और का ही ज़िला दिखा हुआ है तो ये सब है आप लोगों का देखिए औरंगाबाद और का ज़िला दिखा हुआ देख रहे हैं तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट जो है औरंगाबाद और से और सुपौल और नालंदा जिला से आ रहे हैं अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि टेंथ क्लास का रिजल्ट के बारे में गौरतलम की बात यह है कि 2022 के बिहार टॉपर की दसवीं परीक्षा के नतीजे 23 मार्च को जारी किए गए थे बीते साल बोर्ड में जो है हम लोग का परसेंटेज जो है देखिए यहाँ पे इतना परसेंटेज लाए हुए थे ठीक है इतना परसेंटेज लाए हुए हैं और दसवीं परीक्षा का रिजल्ट जो है हम लोग को लगभग आप लोग को बता दें दोस्तों टेंथ क्लास का रिजल्ट जो है हम लोग का लगभग तीन दिन के अंदर यानी जैसे आ, करने का मतलब अट्ठाईस है ना अट्ठाईस उनतीस और तीस तारीख तक हम लोग का रिजल्ट आने का पूरा संभावना है ठीक है अट्ठाईस उनतीस और तीस तक आने का पूरा संभावना है तो आप बेफिक्र रहे आप लोग को अपडेट डेली का डेली इस पर दिया जाएगा और एकदम देखिए यहाँ पे हम लोग का जो अपडेट दिया जा रहा है देखिए सत्ताईस मार्च को ही अपडेट दिया जा रहा है आप लोग को है ना वो भी आप देखिए यहाँ पर छः बज के चौबीस मिनट है ना शाम को तो ये जो है आप लोग एकदम बढ़िया से इसको कन्फर्म रखिए और आराम से आप लोग एकदम जो भी सोच है आप लोग का थॉट पॉजिटिव रखिए कि आप लोग का बढ़िया ही नंबर आएगा एक और बात दोस्तों जो भी स्टूडेंट के पास बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कॉल भी किए हैं ना कॉल किए हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट दिया जा रहा है और कहीं से और बताया जा रहा है कि सर आपको लड़का को मतलब कोई भी स्टूडेंट को दिया जा रहा है रिजल्ट और कह रहा है कि आपको मैथ में क्रॉस लग गया है ठीक है मैथ में क्रॉस लग गया है संस्कृत में क्रॉस लग गया है आप सात रुपया दीजिए आठ रुपया दीजिए तो हम आपका नंबर बढ़ा देंगे और क्रॉस से बचा देंगे तो ऐसा नहीं करना है ठीक है ऐसा नहीं करना है कोई भी सात हजार रुपया नहीं देना है ये सब फ्रॉडगिरी चल रहा है, से बचना है, है, ना? से बचना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया मेरे पास कि सर ऐसा ऐसा है तो ऐसा आप लोग नहीं करिएगा कोई भी सात हजार रुपया कम नहीं ना होता है सात हजार रुपया जो होगा सो देखा जाएगा हालांकि पॉजिटिव अपना सोच रखिएगा जो अच्छा आप लोग बढ़े हैं से पढ़े हैं तो नंबर बढ़िया ही आएगा है ना वो सब फ्रॉडगिरी पर नहीं सोचिएगा बहुत सारा फ्रॉडगिरी से नंबर ले ले रहे हैं आप लोग का और रोल नंबर और अपना, अपना कॉलेज का जो कोड है वो सब ले ले रहे हैं स्कूल का कोड जो है लेके और और इस फ्रॉडगिरी का बात कर रहे हैं तो ऐसा आप लोग नहीं करिएगा कोई भी स्टूडेंट निगेटिव वे में नहीं लेगा ना लेगागेटिव वे में नहीं लेगा और पॉजिटिव सोच रखेगा हम लोग का रिजल्ट आराम से बढ़िया से ही अट्ठाईस उनतीस और तीस तक हम लोग का रिजल्ट आने का पूरा पूरा संभावना है जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप लोग को क्लियरेंस मिल जाएगा थोड़ा टाइम नज़दीक आ रहा है तो आप लोग का क्लियरेंस मिल जाएगा तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और पॉजिटिव सोच रखना है कि बढ़िया ही होगा ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह आप लोग का वेरीफिकेशन जो आप लोग का जो भी अपडेट होगा आप लोग को दिया दे दिया जाएगा पॉलिस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद दोस्तों